विलन तो हर कहानी में होते हैं, पर इस कहानी में गैंगस्टर, पुलिस, दोस्त, आइटम, चारों तरफ विलन ही विलन है। बस जो आखिर तक खड़ा रहेगा वही होगा असली हीरो। आज दिन दहाड़े एक शूट आउट में अंडरवर्ल्ड डॉन नवाब पुलिस की गिरफ्त से भाग निकला। यह तब हुआ जब इस मशहूर गैंगस्टर को क्राइम ब्रांच के चीफ इंस्पेक्टर सचिन कदम द्वारा स्पेशल कोर्ट ले जाया जा रहा था। पुलिस हमेशा से मुझसे परेशान थी, इस हीरो के हाथ में हथकड़ी ज्यादा देर टिकती जो नहीं थी। पुलिस से भागते तो बहुत गैंगस्टर को देखा होगा, पर पुलिस की गाड़ी में बैठ के पुलिस को मारने वाला हीरो ही हो सकता है। भाई यहाँ तो कोई नहीं है। बंदूक दे। मुझे इस भाई के बेटे का माता। चलो मुझे इसके बाहर का सुपर है। भाई चलो बाहर। इस तरफ आ। मुश्ताक, मैगजीन, सावला, देखिए भाई। गोली मत चलाना। अपन सरेंडर कर रहा है। ऐसे हीरो की एंट्री ना कभी देखी होगी ना कभी देखोगे। ये पर्दे के पीछे वाले हीरो की कहानी है, असली हीरो की कहानी। हर हीरो के माफिक अपना सफर भी एक छोटे शहर से शुरू हुआ, बरेली। उधर के छोटे छोटे शहरों में अपने बड़े बड़े सपनों का दम घुटता था। पहला मौका मिलते ही बाप को उठा के बंबई ले आया। जिधर सोने का जगह हो ना हो, सपनों का जगह जरूर था। बहुत दिन बाद भाई। कैसे हो भैया? क्या बात? भरत भाई, अरे ये अपना नवाब इतना लंबा हो गया। बस क्या भरत भाई, अब बाबा पे मैं जाएंगा ना। अरे सही है भाई, आ जा, तेरे को दुकान दिखाते हैं। आ जा, आता ये सब अपने पास पहला था तो अपने एरिया में सबसे पहला इधर इधर सब इंग्लिश पिक्चर और वो वाले भी। भैया वो नवाब के लिए भी कुछ काम ढूंढते थे, थोड़ा बिगड़ा घोड़ा है पर नकेल लगा लोगे तो दूर तक जाएगा। तू टेंशन मत ले, मेहनती आदमी को बहुत काम है शहर में। जवान छोकरे लोग हैं, भागा दौड़ी करेंगे क्यों? बस क्या भरत भाई, अब भागने के दिन गए, अब मैं उड़ेगा। सही है। अरे भाई बहुत लंबा सफर करके आए, आइए आइए आइए, दाल खाओ उसकी। देखो आप थोड़ी धंधे की बात करते हैं, अपन लोगों का जो काम है ना थिएटर को घर घर पहुंचाते हैं, दादर से कोलाबा। हर VCR में अपना कैसेट जाता है, हर फ्राइडे को पिक्चर रिलीज होने से पहले थर्सडे नाइट को दुबई से उसका प्रिंट बन के आता है डॉक्स पे। डॉक्स पे जाने का और वहां से प्रिंट उठाने का, उसका कॉपी करवाने का, फिर जाने का गेटे के अलग से, वहां पे जो ब्लैक का रेट है फ्राइडे को वो पता करने का, उसका हाफ रेट में अपन फिल्म निकालते हैं, ये धंधा। और फिर घर घर डिलीवरी। अब डिलीवरी करेगा तू? मैं? अपन इस धंधे में पूरी तरह खुस चुका था और बंबई अब अपने लगने लगी थी, पर इस समंदर में बहुत बड़ी मछलियां थी जिनसे अब मेरी मुलाकात होने वाली थी। नवाब कुछ तो मदद करना गांडू, सुना नहीं तू? सेक्टर गरम है, वो पुलिस कोई ऊपर वाले से नाराज है, यहाँ पे गांड नीचू अपनी लगने वाली है। ए मनोज अपनी गंदी जबान बंद करा, एक तो धंधा अच्छा चल रहा है, अरे उसको हाथ देना। चल दे।
गांडू बोला था ना तेरे को लुकाएंगे। इधर 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 जल्दी जल्दी क्या करेगा? जल्दी यार पंचो जल्दी। क्या हुआ साहब? मंगाता है, मंगाता बोला ना एक बार, मंगाता है, मंगाएगा, फोन रे कभी। ची खटखटी चल। ये नायक जादू टिकट ले गया। कौन सा पिक्चर बोलो? अरे वो आमिर का नया पिक्चर है ना, दिल दरिया। दिल लेके मानता नहीं, मस्त पिक्चर है साहब, लेकिन आपको टिकट नहीं मिलेगा। वो गेटी पे मुकेश है ना, उसको अपन का नाम बोलने का, आपको मस्त बालकनी सीट मिलेगा। मुकेश? ठीक है साहब। क्या नाम क्या तेरा? वैसे तो अक्का बम्बई अपन का नाम जान ही जाएगा एक दिन, अभी के लिए नवाब साहब। देख मेरे को बस तेरा सप्लायर मांगता है। अरे क्या है ना बाबा, अगर वो हफ्ता मेरे को टाइम पर नहीं देगा तो मेरा हफ्ता टाइम पर कैसे जाएगा? आप किसको हफ्ता देता है साहब? अभी तू घुस गया है ना समंदर में, ऐसा फटाफट गेम सीख लेने का। देखना साहब, एक दिन अक्खा समंदर पे अपन राज करेंगे और यहाँ का एक एक मछली को अपन मस्त फ्राई बना के खाएगा। मतलब तू मेरे को भी खाएगा? आपने तो ज्ञान दिया है आज, आप गुरु हो और गुरु से गद्दारी नहीं करता नवाब, मरी माँ क्या कसम। नायक। हाँ साहब। लॉक कौन? बम्बई में हर हफ्ते नई फिल्म लगने के अलावा हफ्ते वालों की भी लाइन पड़ती जा रही थी। हफ्ता सेक्शन कट जो बोल लो मतलब वही चल। अपना बिजनेस चलाने के लिए इधर टैक्स देना पड़ता था इस शहर की असली सरकार को। क्या रे बरेली, कितना पढ़ाई करने का? चल हफ्ता निकल। देख पक्या, अपना हफ्ता भूषण भाई को जाता है। दादा भाई कह रही है, दादा भाई जेल में है, अपुन तो इधर है ना। शेट्टी ब्रदर के बारे में जानता है ना? जानता है ना बहन चोट। इरिया मेरा और हफ्ता हुसैन भाई को देता है बहन चोट। देख लेगा बुढ़े तुझे और चिकने तुझे भी। ए ए जाड़े लड़े छोड़ेगा नहीं अब। अरे पकिया का टेंशन मत ले। भरत भाई पकिया का टेंशन नहीं है, ये कैसेट वीसीआर का धंधा, अब इसमें मजा नहीं रहा। फिर क्या? केबल टीवी भरत भाई, केबल टीवी वीसीआर से सस्ता, वो भी डेली का नया माल। देखना बंबई के हर घर में चूहे माफे घुसेगा केबल टीवी, और आप पैसा लगाओ केबल में, संभाल लेगा। तो? तेरा आइडिया तेरी सिद्धि, अपना सिर्फ नाम चलेगा। बोल संभालेगा? अरे पापा अब इससे क्या पूछ रहे हो, मेरा भाई सब कुछ संभाल लेगा। सबूत कमजोर देता है, ताकतवर के हौसले काफी है। वाह भरत भाई। हर बढ़ते शहर की तरह बंबई भी एंटरटेनमेंट के लिए भूखा था, और उनका भूख मिटाने में अपना केबल और वीएचएस का धंधा आग के माफिक जोर पकड़ने लगा। अभी लगने लगा था कि अपुन का टाइम आ गया है, पर बोला था ना बंबई में टाइम फ्लॉप पिक्चर माफिक है, कभी भी उतर सकता है। क्या देखे तो क्या बे? मादर चोद। बोला था ना बुढ़े बात खत्म नहीं हुआ, अब हुआ। बाप को खोने के गम ने चला चला के राख कर दिया था, बाकी कुछ बचा था तो बस बदले की चिंगारी।
जो एक नया आग लगाने वाला था। और कभी कभी अपनों को खोना ही इंसान को ऐसे रास्ते भेज देता है कि वो बंदूक उठा ले। हेलो भरत अन्ना। शेट्टी बोलता मैं। अरे मालूम पड़ा मेरे को, बहुत नुकसान हुआ तेरा। मैंने सुना एक आदमी भी फ्राई हो गए। सैड रे शेट्टी, तुम लोगों का क्या बिगाड़ा था हमने? हुसैन भाई से पंगा है ना तुम लोगों का? तू नहीं रे भरत अन्ना, तेरा वो कुत्ता नवाब मेरे पर क्या खोल दिया? मतलब शेट्टी ब्रदर से टसन, उसको मालूम नहीं क्या बम्बई के केबल पे सिर्फ शेट्टी ब्रदर्स का राज चलता? अरे केबल के धंधे में घुसने का तो शेट्टी ब्रदर्स का कट देने का ना, नहीं तो कट लेने का बम्बई से। ए शेट्टी, अब तेरा कटने का टाइम आ गया, वो भी इस दुनिया से। ए गांडो, कौन बोल रहा है? मैं हीरो बोल रहा हूँ, माता चौद हरिलाल का बेटा। और अब देख तेरे और तेरी पक्या का गेम कैसे खलास करता है मैं आज। नवाब आराम। अरे की माँ की। नवाब, अबे नवाब, नवाब रुक, पागल हो गया क्या? पागल हो गया मैं? क्या कर रहा है? तू जा, किसको मारेगा? हाँ मारेगा। फिर उसके लोग आके हम में से किसी को टपकाएंगे, फिर हम में से कोई जाएगा उनको मारेगा। अरे सबके खत्म होने से पहले ये खत्म नहीं होगा बेटा। सही कह रहा है, इससे अपन खुद को खत्म कर देगा। साला गेम पूरा जड़ से ही खत्म। पागल हो गया। सुन तो सही ना पापा क्या बोल रहे? क्या बोल रहे? सुन तो ले। देख तेरे को मैं कुछ करने से मना नहीं कर रहा है, पर तरीका सही चुन। पक्या के पीछे शेट्टी है, शेट्टी के पीछे दादा भाई है, हुसैन भाई अभी यहाँ पे है नहीं। देख बेटा बड़े से बड़ा डोन बिना अकेले में कुछ नहीं है। अरे खून नहीं बेटा, भेजा चला और सही तरीका और सही साथी का इंतजार कर, और जैसे सही साथी मिलेगा, सही मौका मिलेगा तो अपने आप को पूरा झोंक देने का। समझा? नवाब छोड़, छोड़ ना यार, छोड़ छोड़ दे। भरत भाई ने उस दिन अपन को लाइफ का सबसे सॉलिड तरकीब सिखा दिया, गोली से पहले जबान चलाने का और जबान से पहले भेजा। यही पैतरा अपन को बहुत आगे ले जाने वाला था। ऑफिस में आग लग गया। मालूम तो है साहब सबको, शेट्टी ब्रदर्स ने पक्या के साथ हाथ मिलाया। अब मैं क्या करेगा बोल। तू जो सोच रहा है वो नहीं होगा नवाब। क्यों नहीं हो सकता साहब? शेट्टी सौ धंधा है उनका, सौ जगह से हफ्ता आता है, तेरा एक ही धंधा है वो भी था। राजन साहब, शेट्टी ब्रदर्स आपको हफ्ते के नाम पर क्या देता है? बजिया। तू क्या मेरे को ताजमहल बना के देगा? शेट्टी ब्रदर्स का धंधा कितना बड़ा है, बिजनेस कितना है, पैसा कितना कमाता है, कितना कहां से आता है, और आपको क्या मिलता है? अपुन देगा आपको पार्टनरशिप 50-50। बोले तो आधे कंपनी का मालिक आप, वो भी सब कुछ रिकॉर्ड पर होगा, फुल ट्रांसपेरेंट। राजन साहब, कोलाबा से दादर तक जब एक इंच की बिल टीवी होगा तो उसका 50% कितना मुनाफा होगा आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा कहावत। शेट्टी साला पुराना चावल है ना। पुराना बीमारी जानलेवा होता है साहब। पूरी रात का चाय कुछ मिला उसमें? कितना लेगी? चलना। ए भड़वे हट। दारू और धंधे का असली नशा बिना मिलावट में होता है साहब।
ये पिल्ला दिखता चिकना है, लेकिन जब ये काटेगा जंगल का राजा बनेगा। धंधा कर लो इसके साथ। अरे पप्पू, चेटी भाई, चेटी को काटेगा तू? दुकान बड़ा अच्छा बना ले। अरे तू बिजनेसमैन, चल निकाल। अब तो रेडी है ना शेट्टी ब्रदर्स का? समझे कह रहे तेरे को भी तेरे बाप के माफी जिंदा जला देगा। राजन साहब, इधर है, उधर ही खड़ा रहने का। तेरे को भी तेरे बाप के माफी जिंदा जला देगा। मेरे को जानता नहीं तू? सुना ना आपने, बयान भी दे दिया और मारने की धमकी भी। बहुत अच्छा फील्डिंग लगा रहे तू। तू मारेगा मुझे? Yeah. अन्ना! क्या राजन साहब, जरा आराम से ना। गोली इधर की उधर हो जाती तो अपन भी। पिछले 6 साल में 12 लाख खर्चा किया उस पे। आज तक नंबर नहीं दिया उसने। कौन कौन है? तू साला कल का लौंडा है, कमाल गया तेरे तो। डांस बार। अरे साहब, आ कपड़े निकाल। हुँ? कपड़े निकाल। दो सौ क्या? अरे अगर ऐसे थोबड़े के लिए भी पैसा देना पड़ा ना तो शक्ल बनाने वाला बुरा मान जाएगा। बात करती ए चिकने, मैं 200 देगी तेरे को। चल, कावला माल भी है। कावला किसको बोलती है? ये अपन का रोज का है। अच्छा? हाँ। चल फिर, आ जा। ये रही अपनी लाइफ की पहली आइटम, मुमताज। इसकी शक्ल पे नहीं जाने का, ये शानी चीज कुछ और ही है। छोटा मोटा पटाखा नहीं, पूरा 10,000 का लड़ी है। कान के पर्दे के अलावा क्या क्या फाड़ देती है बाद में पता चलेगा। अबे लौड़े, मेरे जितने उधर बाल नहीं हो गए ना, उससे जास्ती मर्द मेरी जांघों से गुजरे। यार तेरा मुंह है के वर्ली का गटर। साला अपुन एक लड़की से मिलने आया यहाँ और इधर एक लड़ने निकली। ये ऐसा नहीं चलेगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तो क्या मतलब, तू देख, तू आ गया और अपुन भी आ गए। अब इस तरह सेम टू सेम नहीं चलेगा। तो देख, ये दोस्ती तो होने जाएगी। ये दोस्ती मांगता है तो बोल। कई दुश्मन कमाने के बाद बंबई में मुमताज अपनी पहली सच्ची दोस्त बनी, जो आखिर तक बनी रही। कड़क नहीं तो इस टेढ़ी कहानी में कितने दोस्त दुश्मन बनने वाले थे और कितने दुश्मन दोस्त। चल चल चल
सावला। हाँ भाई, वो शेट्टी लोगों को अंदर ही रहने थे, भरोसा नहीं उन लोगों का। भाई लोग भर्ती होने का टाइम आ गया, आज से तुम लोग इस पुलिस वाले। ये देने का, सबको देने का। चलो स्टेशन। अभी अपने गैंग के कब्जे में था, पर राडा तो अभी शुरू हुआ था। बहुत ट्विस्ट आना बाकी है इस कहानी में।